राधे राधे। भक्तों, जीवों के कितने जन्म हुए हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तौर चार जुना, भगवान ने गीता जी के चौथे अध्याय में कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत परंतु, लेकिन अर्जुन, मैं अपने भी सब जन्मों को जानता हूँ, तुम्हारे भी सब जन्मों को जानता हूँ, किंतु तुम न अपना जानते हो न मेरा जानते हो। ये जीव और ईश्वर के बीच का अंतर प्रभु ने बतलाया। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनके अलावा सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता, लेकिन जिसके अंदर भगवदी चेतना का विकास होता चला जाता है, उसको कुछ कुछ दूसरे का भी और कुछ अपना भी पूर्व जन्मों का आभास या ज्ञान या स्मृति हो जाती है। यह बहुत असाधारण बात होती है भक्तों, सामान्यतया नहीं होती लोगों में। और श्री जयदयाल जी गोविंद का सेठ जी को ये ज्ञान था। मैं आपको पहले सुना चुका हूं, उनके मित्र थे श्री हनुमान दास जी गोविंद का, उनके विषय में उन्होंने आपको बताया था, मैंने कि कहा था कि 2000 वर्ष पहले तुम राजा थे, मैं आपका मंत्री था, और बहुत सारी बताई थी बातें जो आप सुन चुके हैं। तो ऐसी चर्चा गोयंदका जी के साथ रहने वाले श्री द्विवेदी जी के भी कान में पड़ी। द्विवेदी जी जो बाद में अखंडानंद जी बन जाते हैं, शांतन विहारी द्विवेदी, तो उनके भी कान में बात पड़ी कि सेठ जी के पूर्व जन्म की बातें लोग बताते हैं, तो उनको पूरा विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने श्री सेठ जी से एकांत में पूछा, आपके पूर्व जन्म के संबंध में आपके नाम से कई बातें कही जाती हैं, क्या आपने कभी पूर्व जन्म की बातें किसी को कही हैं? तो श्री सेठ जी ने कहा, मैंने अब से 20-30 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी बातें कही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको पूर्व जन्म का स्मरण है? तो गोयंदका जी ने हां में उत्तर दिया, कहा हां है। बोले, चाहे तो आप भी अपने पूर्व जन्म की बातें जान सकते हैं, हनुमान बिहारी जी से कहा। तो उन्होंने पूछा, सो कैसे? तो श्री सेठ जी ने कहा, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, इस योग सूत्र के अनुसार संयम कीजिए। वासना रहित प्रज्ञा में सत्य का आविर्भाव होता है। मैंने कभी ऐसी धारणा की थी, सेठ जी ने कहा, मैंने कभी ऐसी धारणा की थी, तब मुझे पूर्व जन्म की स्फूर्ण हुई थी। तो भक्तों, वो सूत्र जो योग सूत्र की बात मैंने भी आपको सुनाया, थोड़ा उसके विषय में बता रहा हूं आपको। जो गोयंदका जी ने सूत्र बताया था, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अर्थात अपरिग्रह में जो स्थिर हो जाता है तो पूर्व जन्म का ज्ञान उसको हो जाता है। अपरिग्रह में स्थिरता हो तो, अपरिग्रह का तात्पर्य हुआ कुछ भी अपने पास न रखना, परिग्रह अर्थात अपने पास जोड़ करके वस्तुएं रखना, अपरिग्रह अर्थात कुछ भी अपना नहीं रखना, ज्ञान की दृष्टि से अपना नहीं मानना, आप ये अर्थ लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल में अपने पास कुछ भी न रखना या अपना कुछ भी न मानना, ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं।
यदि ऐसी स्थिति हो जाती है दृढ़ता पूर्वक, तो फिर उसको पूर्व जन्म का बोध होने लगता है। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा मैंने किया था, ऐसी धारणा की थी, तब मुझे पूर्व जन्म की स्फूर्णा हुई थी। तो इसलिए वो बता देते थे, अपना भी दूसरे का भी कभी कभी बता देते थे। बड़ी ऊंची स्थिति थी भक्तों, यहां तक कि जनता के हित के लिए वे जब भागवतांग के प्रकाशन की बात आई, अर्थात श्रीमद् भागवत का विशेष अंक कल्याण के विशेष अंक के रूप में दिया जाना था, भागवतांग कल्याण का भागवतांग, तो बड़े मर्यादावादी थे वो। उनके मन में आशंका थी कि समाज के अभद्र तत्व रास पंचाध्यायी का मनमाना अर्थ लगाकर समाज में अनर्थकारी वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए लोक संग्रह की कसौटी पर खरा उतरने पर ही वे किसी प्रसंग का प्रकाशन चाहते थे। लोक संग्रह की भावना से प्रेरित होने के कारण उनकी इच्छा थी कि भागवत पर विशेषांक प्रकाशित हो तो दशम स्कंध के महारास वाले 5 अध्यायों को विशेषांक में नहीं छापना चाहिए। तो ये बात उन्होंने श्री भाई जी से कहा, उद्धार जी से, गोयंदका जी ने कहा कि भागवतांक जब छपे कल्याण का भागवतांक, तो उसमें रास पंचाध्याय के 5 अध्याय नहीं रखो, उनको निकाल दो बाहर। भक्तों, इस बात पर भाई जी का सेठ जी से मतांतर था। भाई जी की गहरी आस्था एवं सुदृढ़ मान्यता थी कि रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय तो भागवत के 5 प्राण हैं। हम लोगों को भगवान वेद व्यास की वाणी पर विश्वास न हो ये ठीक नहीं है, अविश्वास करने का हमारा अधिकार भी नहीं है। रास पंचाध्यायी के अंत में फलश्रुति के रूप में स्पष्ट कहा गया है कि इससे हृदय रोग का नाश होता है। भले ही श्रीमद् भागवत का प्रकाशन न हो, पर यदि हो तो उसमें 5 अध्याय अवश्य रहे। अपनी आस्था अभिव्यक्त करने के बाद वे तटस्थ रहे, ये बात उन्होंने गोयंदका जी से कह दिया और फिर उसके बाद अलग हो गए, जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं भागवतांक प्रकाशित करने से। तो उनके उपराम वृत्ति उन दिनों प्रबल थी। एकांतवास के लिए सेठ जी से आज्ञा मांगा पोद्दार जी ने कि मैं तो अब एकांत में रहूंगा कम से कम 3-4 महीने। तो रतनगढ़ चले गए वो। अब सेठ जी ने देखा कि भाई जी के बिना कल्याण का संपादन प्रकाशन ये संभव नहीं है, अतः वे एक दिन गीता वाटिका गए तथा संपादकीय विभाग के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग यहां से रतनगढ़ चले जाएं और हनुमान प्रसाद जी को लेकर यहाँ आए, यदि आने की बात न बन पाए तो आप लोग सब वहीं रह जाएं तथा वहीं से कल्याण के संपादन का काम होता रहे। श्री सेठ जी के कथन के बाद सारा संवाद की विभाग रतनगढ़ चला गया। अब उसमें चिमनलाल जी भी थे, राधा बाबा पोद्दार जी के ही साथ थे और शांतनु बिहारी द्विवेदी, ये सब लोग थे, ये सब लोग चले गए। गोयंदका जी के कहने से सब रतनगढ़ चले गए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, एवं 5 वर्ष सब लोग वहीं रहे, गोरखपुर नहीं आए। तो सन 1940 में कल्याण का विशेषांक साधनांक प्रकाशित हुआ और समाज प्रतीक्षा कर रहा था भागवतांक का। तो भागवतांक इसलिए नहीं निकल रहा था कि गोयंदका जी चाहते थे रास पंचाध्यायी उसमें न डाली जाए और पोद्दार जी कहते थे उसके बिना तो भागवत ही नहीं है।
तो फिर जब पोद्दार जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए तब सेठ जी ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है भागवतांक आप अपनी इच्छा अनुसार निकालिए, लेकिन मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए कि चीरहरण लीला और महारास लीला पर अपनी ओर से विस्तृत टिप्पणी आप लिखिए। पोद्दार जी से कहा गोविंदका जी ने कि अपनी ओर से विस्तृत टिप्पणी लिखिए इस पर, चीरहरण लीला पर और महारास पर, और ये कह करके फिर भागवतांक प्रकाशित करने की बात बोल के सेठ जी चले गए। और समय बचा था मात्र 3-4 मास। इस छोटी अवधि में 18,000 श्लोकों वाले महापुराण का अनुवाद करा के, अनुवाद करने के लिए तो शांतनु बिहारी द्विवेदी जी थे, लेकिन टिप्पणी सब लिखनी थी पोद्दार जी को, क्योंकि उसका क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी था कि चीरहरण का क्या मतलब है, महाराज का क्या मतलब है, जनता भटक न जाए, ये चिंता थी गोविंदका जी को। इसलिए पोद्दार जी को यह कार्य सौंपा था कि केवल श्लोकों के अर्थ से काम नहीं बनेगा, आपको विशेष टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, विस्तृत टिप्पणी। तो वो सब भाई जी ने लिखा जिससे लोगों को सही अर्थ समझ में आवे, और इतना विशाल विशेषांक कभी नहीं निकला था इसके पहले। भागवतांक सबसे बड़ा विशेषांक था और उसमें सेठ जी की इच्छा अनुसार चीरहरण लीला, महारास लीला के साथ और माखन चोरी लीला पर भी, क्योंकि लोग उससे चोरी की प्रेरणा न ले लें, इसलिए उसकी भी विस्तृत टिप्पणी पोद्दार जी ने लिखी माखन चोरी पर, चीरहरण पर और महारास पर। वो सब भागवतांक में छापा गया और आज भी गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत महापुराण जब आप लेंगे तो उसमें इन टिप्पणियों के साथ ग्रंथ मिलता है जो पोद्दार जी ने लिखा था। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी इन महापुरुषों की, एक भक्ति के मार्ग से हटने वाले नहीं थे, वो पोद्दार जी थे, और एक समाज में मर्यादा बिगड़ न जाए इस पर दृढ़ रहते थे, और दोनों का भगवान ने जोड़ा मिलाया था। और ब्रह्मनिष्ठ संत होने पर भी सेठ जी की कर्मठता अद्भुत थी, ऐसी कर्मठता जल्दी देखने को नहीं मिलती है। और समझ लीजिए रोजाना 25-30 पत्र प्रतिदिन आते थे और उन सबको सुनना, उनका उत्तर लिखवाना, पंचायत में झगड़े निपटाना और स्वजनों को परामर्श देना, आज बहुत से कार्य थे सेठ जी के। 10 बजे रात से पहले कभी नहीं सोते थे और ये सब कार्य में लगे रहते थे, और महाराज बहुत ही ज्ञान की स्थिति में रहते थे। एक शब्द में कहा जाए तो साक्षात गीता मूर्ति थे, ऐसा लगता था जैसे गीता माता ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया है, गीता के स्वरूप बन गए थे। और बड़ा प्रभाव उनका था। एक बार स्वर्गाश्रम जो ऋषिकेश के सम्मुख, वहां वटवृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था, तो सेठ जी बोले कि आप लोगों को आज ऐसी बात बताऊंगा कि आपको कुछ करना नहीं पड़े और कल्याण पूरा हो जाए। तो लोगों को बड़ी जिज्ञासा हुई, तो जयदयाल गोविंदका जी बोले कि वो बात ये है कि आप हर समय प्रसन्न रहिए, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। फिर स्वयं ही प्रश्न करने लगे कि आप लोग कहेंगे कि क्या बात लेकर हम प्रसन्न रहें, तो बात यह है कि आप लोगों को भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास हो जाए और आप मेरे कहने से विश्वास कर लीजिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा है और इससे आप प्रसन्न रहेंगे। बोले प्रभु की कृपा पर पूर्ण विश्वास कर लो तो सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपकी प्रसन्नता हमेशा रहेगी और आपका कल्याण हो जाएगा। भक्तों,
जयदयाल गोयंदका जी कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाए जीवन भर में। बड़ी भयंकर बीमारी हुई, लोगों को चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए, ये तो एलोपैथिक दवाई खाएंगे नहीं। तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा तो एलोपैथिक दवा, लेकिन उसमें कोई गंदी चीज नहीं दूंगा आपको, आप दवा खा लीजिए क्योंकि आपके द्वारा जन कल्याण होता है, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा, दवा आप नहीं खाएंगे। तो गोयंदका जी ने कहा कि मैं तो परिणाम भोगने को तैयार बैठा हूं, यही तो होगा कि शरीर नहीं रहेगा, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता है, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये दृढ़ता देख करके फिर डॉक्टर साहब वापस चले गए। इधर भाई जी ने चुपचाप गोयंदका जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वासी व्यक्तियों से अनुष्ठान करवाया, और महाराज इस तरह से अनुष्ठान करवाया पोद्दार जी ने कि गोयंदका जी ठीक हो गए बिना दवाई के ही। अब आप सोचिए अनुष्ठान में भाई जी के कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा कि गोयंदका जी ठीक हो जाएं। केवल अनुष्ठान की बात नहीं थी, अनुष्ठान तो था ही, लेकिन उसमें भाई जी के निश्चय और संकल्प की दृढ़ता थी, इसलिए वो स्वस्थ हो गए बिना औषधि के। और गोयंदका जी के सम्मुख ही उनकी पत्नी का निधन हुआ। खूब कीर्तन उस समय उन्होंने करवाया जब शरीर छूट रहा था। और भक्तों, इनके परिकरों में एक व्यक्ति थे श्री घनश्याम दास जी जालान। ये सेठ जी के अद्भुत साथी थे, सखा, मित्र, सचिव, अनन्य भक्त थे, आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति थे। समर्पण की ऐसी सूषमा देखने को नहीं मिलती। और इनके पिता का नाम पृथ्वीराज जी, माता का नाम हरदेई था। ये मूलतः राजस्थान के रतनगढ़ नगर के समीप के निवासी थे। भक्ति के संस्कार इन्हें पैतृक धरोहर के रूप में मिले थे। इन्होंने किसी प्रकार की विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। इनका ज्ञानार्जन सत्संग एवं जीवन के गंभीर अनुभवों के द्वारा हुआ था। अब आप आश्चर्य करेंगे कि जो किसी विद्यालय की शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे, महाराज उनको कल्याण में कितना बड़ा स्थान दिया गया था, कितना अनुभव का ज्ञान था इनका। ये नाथ संप्रदाय, गणेश नाथ संप्रदाय के संतों के साथ रहे, घनिष्ठता हो गई, और इनके कारण ही गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में हुई थी। क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में खोलने के लिए इन्होंने कहा, और गोरखपुर में इनका अपना बिजनेस था, तो इन्होंने कहा मैं अपना बिजनेस भी देखूंगा और प्रेस भी देखूंगा, इसलिए आप गोरखपुर में खोलिए प्रेस को। तभी गोयंदका जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में खोला था। प्रेस का पूरा हिसाब किताब, कागज का स्टॉक, पुस्तकों का, कल्याण के विशेषांक का स्टॉक, ये सब इनकी जबान पर रहता था। पुस्तकों के कम से कम मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए इन्हीं का योगदान था, अनुपम योगदान था। इसीलिए इसी निपुणता के कारण आजीवन ट्रस्टी रहने के साथ ही साथ गीता प्रेस के मुद्रक और प्रकाशक भी ये पूरे जीवन बने रहे। प्रेस के कर्मचारियों के शुभ चिंतक थे और सेवा के कार्यों में भी रुचिपूर्ण भाग लेते थे, बहुत सावधान रहते थे। और इनकी कर्मठता और पवित्र निष्ठा को देख करके गोयंदका जी भी इनको मानते थे और भाई जी भी बहुत इनको मानते थे। ये भी एक महान पुरुष थे, और इसीलिए महाराज भगवान ने भी इनके ऊपर विशेष कृपा की थी।
गीता प्रेस के इतिहास में ही नहीं, सेठ जी की समस्त प्रवृत्तियों एवं संकल्पों को साकार करने में इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा मिलेगा। पिछले वर्षों में प्रायः सेठ जी के साथ ही अधिकांश समय बिताते थे। अस्वस्थ रहते हुए भी यथासंभव सेठ जी के कार्यों में सहयोग देते रहे और संवत 2015 को स्वर्गाश्रम गीता भवन के गंगा घाट पर सेठ जी एवं भाई जी की पावन सन्निधि में संकीर्तन के मध्य अपने पांच भौतिक कलेवर का इन्होंने त्याग किया था। भक्तों ऐसे भाग्यशाली थे और ऐसे ऐसे महान लोग गोविंदका जी के साथ थे। भाई जी का चरित्र तो आप सुन ही रहे हैं, वे गोविंदका जी के साथ थे। अखंडानंद जी थे, घनश्याम दास जालान जिनकी बात मैंने सुना है, चिम्मनलाल गोस्वामी, राधा बाबा और ठाकुर जी की कृपा का प्रतिक्षण अनुभव होता था। जीवन का एक एक श्वास, शरीर का एक एक रक्त कण भगवान वासुदेव के गीता मृत से सुवासित एवं आलोकित था। बड़ा पवित्र जीवन था सेठ जी का। और संवत 2021 से वे रुग्ण रहने लगे, स्वास्थ्य गिरता गया। और भक्तों 1965 में ऐसा अनुमान होने लगा कि सेठ जी का भौतिक शरीर अब अधिक दिन नहीं चल पाएगा, तो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें बांकुड़ा से गंगा तट पर स्थित गीता भवन स्वर्गाश्रम में लाया गया। और ऐसे रुग्णावस्था में भी स्वर्गाश्रम जाते समय लखनऊ में दर्शनार्थ आए हुए लोगों से सत्संग की बातें की, निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, ये सब बातें लखनऊ में ट्रेन में बतलाया जो लोग मिलने आए थे उनसे। और 31 मार्च 1965 को गीता भवन स्वर्गाश्रम पहुंचे सेठ जी। और फिर जब भाई जी को खबर मिली कि सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं, तो भाई जी 6 अप्रैल 1965 को पहुंच गए गोविंदका जी के पास और भक्त लोग एकत्रित हुए और बड़े भाव से संकीर्तन प्रारंभ हुआ भक्तों। फिर सेठ जी गोविंदका जी ने भाई जी को अपने बिल्कुल पास बुलाया, जैसे उनको लगा कि अब इस समय इनकी आवश्यकता है मुझको, और बिल्कुल बगल में बैठाया और आनंद तत्व जो उनका था गोविंदका जी का कहा वो सुनाओ, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन था उसमें। और वो सुनाने लगे, वो तो इतना प्रसन्न हुए कि लेटे लेटे ही बार बार भाई जी को हाथों से खींच करके उनको गले में दोनों हाथ डाल करके हृदय से लगाना चाहते थे। गोविंदका जी भाई जी को खींचकर गले से लगाना चाहते थे लेटे लेटे भी, और गदगद हो रही थी वाणी उनकी, बोले धीरे से जब भाई जी उनको सुना रहे थे आनंद तत्व अर्थात ब्रह्म की बातें। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे गोविंदका जी, तो सब बोले सब ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है। और दोनों हाथ से पकड़ रखे थे पोद्दार जी को, गोविंदका जी दोनों हाथ से पकड़ रखे थे और जैसे गले लगाने के लिए खींच रहे थे, ऐसी पवित्र भावमय स्थिति थी। और 17 अप्रैल 1965 की बात है भक्तों, सब लोग दर्शन कर रहे थे, भाई जी संभाले हुए थे गोविंदका जी को। ऐसी स्थिति में 17 अप्रैल 1965 को दिन में 4 बजे भौतिक देह का त्याग करके ब्रह्मलीन हो गए गोविंदका जी। और उस समय भाई जी के हृदय से उद्गार के शब्द निकले थे कि गीता प्रेस के मूल संस्थापक संचालक प्राणदाता जय दयाल जी गोविंदका का जीवन एक मुक्त महापुरुष का जीवन था। वे संत थे
भौतिक देह के अवसान से उनकी कोई हानि नहीं हुई है, वे अपने स्वरूप में स्थित थे और अब भी हैं। आज भी उनकी स्थिति है यहाँ पर। बहुत सारी सत्संग की बातें सुना करके लोगों का दुख दूर किया भाई जी ने, और उस जीवन मुक्त महापुरुष गोयंदका जी को बड़े भाव से नमन किया। आखिरी सारी सेवा भाई जी ने उनकी की थी। इतने भाग्यशाली थे गोयंदका जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई जी के जीवन चरित्र की आगे की बातें हम आपको फिर सुनाएंगे। अब इन महापुरुषों को प्रणाम करके यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।